हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माँ तारा। मौत से बड़ा सच कुछ नहीं, फिर भी मनुष्य मृत्युंजय एवं काल विजयी हो सकता है। मैं हूँ तांत्रिक चंदन शास्त्री, आप सभी को मेरे YouTube चैनल तंत्र मंत्र टोने टोटके में हार्दिक स्वागत है। आज की मेरा शीर्षक है, काला जादू वशीकरण क्या होता है, वशीकरण किसे कहते हैं और काला जादू किसे कहते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरे वीडियो में नए आए होंगे, मेरे चैनल में नए आए होंगे, तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल आइकॉन घंटी को भी जरूर प्रेस कर दे, ताकि सर्वप्रथम आपके बीच में मेरे वीडियो पहुंच सके। आइए, वशीकरण काला जादू क्या है, क्यों किया जाता है वशीकरण, आखिर वशीकरण का उद्देश्य क्या है, आज मैं आपको बता रहा हूं। वशीकरण का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ में हमेशा रहते हैं, आपके मन के अनुसार कोई काम नहीं करते हैं, दुश्मन की भावना रखते हैं, दुश्मनी की भावना रखते हैं और आपके बीच में हमेशा तनाव ग्रसित रहता है। तो आप हमेशा ऐसी असमंजस की स्थिति में पड़े हुए रहते हैं कि आखिर इनको मैं अपने मनोनुकूल कैसे कर सकता हूं, इनके बगैर मेरे काम में जो हर्जा हो रहा है, मेरे प्रतिष्ठा सम्मान में जो हानि हो रहा है, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें एकमात्र रास्ता बचता है, वह है वशीकरण। आप वशीकरण कैसे कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। आप मेरे वीडियो पर बने रहे और ध्यान से देखें। सर्वप्रथम वशीकरण जो करने का है, आप किसी भी तरह से जिसको भी आप वशीकरण करेंगे उनका एक तस्वीर आप ले लीजिएगा, चाहे तस्वीर मोबाइल से ले लीजिए, चाहे व्हाट्सएप से ले लीजिए, चाहे फेसबुक से ले लीजिए, किसी भी तरह से एक तस्वीर लेकर के और उस तस्वीर को माता काली की तस्वीर के सामने में रख करके इस स्फटिक की माला से आपको प्रत्येक दिन 7 माला जाप करना है। ये मंत्र को बोलना है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके अमुक माम अवश्यम वश्यम कुरुकुरु स्वाहा, ऐं ह्रीं श्रीं कालिके अमुक माम अवश्यम वश्यम कुरुकुरु स्वाहा, ऐं ह्रीं श्रीं कालिके अमुक माम अवश्यम वश्यम कुरुकुरु स्वाहा। इस मंत्र को डेली 7 माला आपको जाप करना है इस स्फटिक की माला से, और 7 माला, एक माला जो है 108 दाने का होता है, उसे आप 7 माला करना है और उत्तर दिशा की तरफ में आपको मुंह करके बैठना है, जहां मैं मंत्र में अमुक बताया हूं उस अमुक के स्थान पर उस स्त्री का नाम चाहे उस पुरुष का नाम जिसे आपको वशीकरण करना है उसके नाम लेकर के आप इसको प्रत्येक दिन 7 माला जाप कीजिएगा। और 11 दिन जाप करना है, 11 दिन जाप करने के बाद आप जो है उस मंत्र से मंत्राभिष्ट करके आप किसी भी तरह से उस व्यक्ति को लौंग इलायची में, चाहे चीनी में, चाहे नमक में, चाहे कोई भी खाने पीने चीज में 7 बार मंत्राभिष्ट करके और उस चीज को उन्हें अगर किसी भी तरह से आप खिला देते हैं तो वो आपके मनोनुकूल हो जाएंगे, आपके वशीभूत में हो जाएंगे। ये जो काम आपको करने बताए, लेकिन इसे आप कीजिएगा कब, किस दिन करना है, इसके लिए आपको शुक्ल पक्ष के समय में किसी भी शुक्रवार के दिन से ये काम को आपको शुरू करना है। और इस काम को करने का मतलब होता है कम से कम 11 दिन इस मंत्र को जाप कीजिएगा, और जाप करने के बाद छोटा सा जो है एक अग्नि प्रज्वलित करके घी से, राई से, चीनी, नमक और मधु ये सारे चीज से लेकर के 108 बार हवन कर लीजिएगा, पूर्णाहुति कर लीजिएगा। इसी करने से ही आपके मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाएगी, और इस चीज को आप एनी अदर पर्सन किसी पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसे भी प्रयोग करना है उस मंत्र के अमुक के बीच में उनका नाम ले लीजिएगा। ये करने से ही आपका जो है वशीभूत हो जाएगा, वशीकरण में आपको सफलता मिलेगी। और साथ साथ में जो है आपका जो द्वेष की भावना, क्लेश की जो भावना रहता है सामने वाला का, वो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा कि इसे आप गलत प्रयोग ना करें और इसे आप हमेशा सही कार्य में सब कीजिए, ताकि आपको सफलता मिले। अगर गलत कार्य में इसका प्रयोग करते हैं तो इसका गलत परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। यही चंद वाणी के साथ मैं अपना वाणी से विराम ले रहा हूं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय मा तारा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर कीजिएगा।